नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछिवा चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हर रोज शाम को 8 बजे हम आपके समक्ष लेकर आते हैं जोरदार खबरों का प्रोग्राम, जो कि आपके आस पड़ोस की खबरें होती हैं और आपके आस पड़ोस के वातावरण से हम आपको रूबरू करवाने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, खबरें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर है आसिया अड्डे गाँव सौंद में। गाँव सौंद की खबर हम पहले लेते हैं। तो आसिया अड्डे वाले बूस्टर पर ट्रांसफार्मर खराब होने पर वो पानी की मोटर में शॉर्ट सर्किट कर देता था। तो सत्यदेव सरपंच व गांव के 30-40 लोगों को लेकर बिजली बोर्ड पहुंचे और ट्रांसफार्मर बदलवाने को कहा। ट्रांसफार्मर नूह से लाना था और पिकअप का इंतज़ाम खुद करना था, तो सत्यदेव सरपंच ने पिकअप का इंतज़ाम खुद किया। पिकअप का मतलब है उस ट्रांसफार्मर को लाने के लिए सवारी, तो खुद अपने पैसों से इंतज़ाम किया और ट्रांसफार्मर को गांव में लेकर आए। और दोस्तों, ट्रांसफार्मर दिलवाने में महीपाल भाई, जो कि जिला पार्षद पद के उम्मीदवार हैं और बिजली बोर्ड में कार्यरत हैं, उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे ट्रांसफार्मर कहीं बाहर से लाना पड़े, क्योंकि गांव के अंदर पानी की विकट समस्या है और इस पानी की विकट समस्या को देखते हुए इन लोगों ने प्रयास किया और इन लोगों का प्रयास पूरी तरह से सफल रहा। अब दोस्तों, गांव के अंदर मोटर खराब या शॉर्ट सर्किट उसमें नहीं होगा। कई बार पहले कम पावर का ट्रांसफार्मर था इस बूस्टर पर, तो लोग बहाना लगा देते थे कि बिजली अच्छी तरह से नहीं आती तो मोटर कहाँ से चलाएं, या फिर बिजली कम आती है, कम देता है ट्रांसफार्मर, मोटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इसकी वजह से गांव में पानी की सप्लाई में परेशानियां आती थी। तो अब ये परेशानी दूर हो चुकी है। ट्रांसफार्मर, ज़्यादा पावर का ट्रांसफार्मर अब इस बूस्टर पर रखा जा चुका है सत्यदेव सरपंच की मदद से और गांव के 30-40 लोगों की मदद से और महिपाल भाई, जो कि बिजली बोर्ड में कार्यरत हैं, उनकी मदद से। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इन सभी लोगों का, जिन्होंने गांव की भलाई के लिए कदम उठाए, और साथ में सत्यदेव सरपंच जी का भी भला करना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने गाँव की भलाई में कदम उठाया और अपने पैसों से पिकअप की और उसमें पिकअप के अंदर ट्रांसफार्मर को नूह से रखकर यहां पे लाया गया। तो दोस्तों, गांव की भलाई में इसी तरह से कार्य करते रहें। अगर आप गांव की भलाई में कार्य करोगे तो बस्ती माता भी आपकी तरफ सोचेगी, सोच विचार अवश्य करेगी। तो यहां पे मैं आपको सत्यदेव सरपंच के विचार आपको सुनवाना चाहता हूं, उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना क्या है इस विषय के ऊपर। तो सुनिए, आपके समक्ष हैं सत्यदेव सरपंच के विचार। भाई, जैसे आप कह रहे हो कि सरपंच जाके काम करवाता है, सरपंच बहुत मेहनत करता है, मैं इस बात में आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन जो जनता होती है ना, वो जनता सरपंच से भी बड़ी होती है। आज हम जैसे बिजली बोर्ड भी गए तो वहाँ हमारे साथ मतलब गाँव के 30-40 आदमी थे, साथ नहीं होते तो काम भी नहीं होता। तो ये ट्रांसफार्म काफ़ी मेहनत के बाद सभी भाई साथ गए और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमें उम्मीद है अब और 22-23 बात रही मेहनत की, मैं तो 24 घंटे में से 4 घंटे ही सोता हूँ। अगर किसी भाई को ये हो कि भाई ये अपने कामन में लगे रहे या इधर उधर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं रात को कम से कम 1:30-2 बजे के करीब सोता हूँ और 6:30 के करीब में जग जाता हूँ। कोशिश करता हूँ गांव में कोई भी भाई मदद के लिए आता है या कहीं जाना पड़ जाता है, हारी है बीमारी है, अपनी तरफ से तो कोई कसर छोड़ता नहीं है। ये समाज सेवा का मौका मिला है, पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, आपने सुने सत्यदेव सरपंच के विचार, और अगली खबर मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, वो भी सत्यदेव सरपंच ने दी है गाँव सौंद से। और मैं अभी आपसे क्षमा चाहता हूँ कि ये जो शोर फिलहाल आपको सुनाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर, तो साइड में चाकी चली हुई है तो किसी से मना भी नहीं कर सकते, तो अब थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस होगा, लेकिन आप सुनिए। सत्यदेव सरपंच ने दी जानकारी कि महेंद्र महेंबर के यहाँ जो धर्मा के बाजते हैं गांव सौंद के अंदर लालदास बाबा मंदिर के पास, यहाँ पर रास्ते में गंदगी फैली पड़ी है, इसको सफाई कर्मचारी साफ करें, ये सत्यदेव सरपंच जी ने कहा है। और वो ट्रैक्टर भी देने के लिए तैयार हैं इस सफाई को साफ करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम उन भाइयों का जो अपना ट्रैक्टर भी देने के लिए तैयार हैं
और मैंने यहाँ से एक सफाई कर्मचारी को वहाँ पर भेजा भी है, रिक्वेस्ट की है कि भाई वहाँ पर जाएं और उस गंदगी को साफ करें, और वो यहाँ से गए भी हैं और आज सफाई भी करेंगे। दोस्तों अगली खबर ये है कि ताली गांव सौंध के अंदर ताली पोखर है, वहाँ पर पूरी गंदगी मची पड़ी है। ये गंदगी क्यों मची हुई है आपको पता ही होगा, सीवर लाइन दबी हुई थी यहाँ पर, सीवर लाइन को दाबा गया था, उसके बाद रास्ते को नहीं बनवाया गया अच्छी तरह से, तो यहाँ पे गंदगी होने लगी है। और अभी तो चौमासा जब आएगा जब और ज़्यादा गंदगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जब सीवर लाइन वहाँ से खुदाई करती है तो वो लोग उस रास्ते को अपने बलबूते पर बनवा देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि यहाँ से गुजरना तो हमारा ही है, दूसरे लोग तो यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर के लिए निकलेंगे, लेकिन हमें तो यहाँ पर रात दिन रहना पड़ेगा। तो उन लोगों ने अपने सामने से उन रास्तों को अच्छी तरह से बनवा दिया, या तो ठेकेदार के थ्रू या फिर अपने पैसों से। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ पर सीवर लाइन खुदाई चल रही है वहाँ पर खुदाई होने के बाद या तो तुरंत उस रास्ते को बनवाएं अपने सामने से, या फिर अगर वो नहीं बनाते हैं सीवर लाइन खोदने वाले तो सीवर लाइन को आगे ही ना बढ़ने दें, क्योंकि रास्ता ख़राब हो जाएगा, परेशानी आप लोगों को होगी, और जनता सर्वोपरि होती है, जनता का दुख दर्द किसी भी संस्था से किसी भी सरकार से बड़ा होता है। तो दोस्तों अपने रास्ते को, अपने सामने वाले रास्ते को खुद बनवाएं और खुद वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क मोल लें, तभी जाकर आपकी सफाई रह सकती है। अगली खबर है होडल मुंडकटी थाना पुलिस ने सौंध गांव से बिजली के तार हुए चोरी, सौंध निवासी रोशन लाल के बयान पर मामला दर्ज, तीन लोगों पर शक है, यानी कि तीन लोग शक के घेरे में हैं। सौंध गांव से बिजली के तार चोरी हो गए हैं और होडल मुंडकटी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है रोशन लाल की शिकायत पर, और उनका तीन लोगों पर शक है, तीन लोग शक के घेरे में हैं, तो अब तार भी चोरी होने लगे हैं। अगली खबर है मुंडकटी थाना पुलिस ने मुंडकटी थाना पुलिस ने सीहा निवासी भूपराम के बयान पर बाइक चोरी का मामला किया दर्ज, बाइक चोरी हो गई है, भूपराम ने शिकायत दी है, तो बाइक चोरी का मामला दर्ज किया गया है। फरीदाबाद जा रही बस के ब्रेक फेल होने पर चालक ने पोल से टकराकर रोकी बस, 12 लोग उसमें घायल हो गए हैं। साथियों बस की ब्रेक फेल हो जाने के कारण ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ से बस को एक बिजली के खंभे से टकराया, जिससे कि वो रुकी और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। तो वाहनों की कई बार ब्रेक फेल हो जाती है, पहले ही चेक कर लिया करें कि ब्रेक में कोई कमी तो नहीं है, ब्रेक ऑयल वगैरह, ब्रेक का तार, सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए हर एक ड्राइवर को। यहाँ पे ड्राइवर की सूझबूझ का हम यहाँ पे सूझबूझ की दाद देते हैं। अगली खबर है पलवल दीघौट पुलिस ने खेतों में मोटर व पंखा चोरी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार, मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर पहुँचे अस्पताल। दोस्तों खेतों में से पंखा चोरी, मोटर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया पुलिस ने और अस्पताल लेकर पहुँचे हैं मेडिकल करवाने के लिए। ये घटना है दीघौट गाँव की। उटावड़ गांव में दबंगों ने एक व्यक्ति सलीम के घर में घुसकर मारपीट कर की लूटपाट, कट्टा दिखाकर दी जान से मारने की धमकी, घर के अंदर पूरा तांडव मचाया गया और लड़ाई की गई, बच्चों को भी धमकाया गया, डराया गया और घर के सामानों को तोड़ा गया, ईंट पत्थर फेंके गए और यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे लड़ाई का माहौल बन गया है। अगली खबर है एक किसान ने की मोदी से शिकायत, खेती के लिए पानी देने का किया था मोदी सरकार ने वादा, पर नहीं दे पाई सरकार किसानों को पानी, खेती के लिए पानी। दोस्तों आपको मालूम होगा कृष्णपाल गुर्जर जी पहले 5 साल भी पारी खेल गए, पानी का दाव लगाकर कि मैं पानी लेकर आऊँगा, मुझे वोट दीजिए। उसके बाद दूसरी पारी खेलने के लिए भी आ गए कृष्णपाल गुर्जर जी, बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हैं, तब भी उन्होंने ये कहा था कि इस एरिया के सौंध गांव, बंचारी और होडल, इस एरिया को मैं पानी दिलवाऊंगा और यहाँ के किसानों को पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी पारी को खेलकर, इसी का बहाना लगाकर वो दोबारा से फिर से यहाँ से मंत्री बने, लेकिन अभी तक उन्होंने पानी के एवज में कोई कदम नहीं उठाया है और अभी भी किसान पानी के लिए तरस रहे हैं, किसानों के खेतों तक पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। तो इस किसान ने मोदी जी से शिकायत की है, वो भी आप सुनिए। हैं और मोदी ने यो कही बल्लम कराया कि हरियाणा में हमारी पूरी सरकार, पूरे बहुमन से सरकार आ जाए और हमारो ये कान पकड़ लिए, कोई भी काम रह जाए तो और हर खेत पर पानी देंगे और हमें अब तक भी पानी ना मिलो जी। कितने दिन आएगा इन बातों ने? कम से कम 7 साल हो गए जी।
अब तक पानी ना आयो? पानी अब तक भी नहीं आयो। फिर अब कहाँ चाह रहो तो फिर पानी चाहिए? तो अब पानी चाहिए जी। ठीक, जरूर पहुँचेगी तेरी बात मोदी तक। बेशक तो पहुँचा दो, ये बात ना हो तो वो पहुँचाई तुम्हें उधर और बेशक थे। अगर ये सीना बोले हो तो मोदी कैसे। तो अगली खबर है, लोग कह रहे थे कि मंसूरी और हरिद्वार में घूमने में अभी भी पाबंदी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, साथियों ने दी जानकारी। दोस्तों रवि, देवीलाल, संजय, विनोद ये सभी सोंद के निवासी हैं, ये मंसूरी घूमने के लिए गए हैं, तो इन्होंने जानकारी दी है कि ऐसा कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि लोगों को मंसूरी और हरिद्वार में घूमने से मना किया जाए। यहाँ पे खुली छूट है और आकर सभी लोग घूम सकते हैं और वादियों का आनंद ले सकते हैं। आज हम यहाँ से मसूरी से कैंपटी फॉल के लिए और कैंपन गार्डन के लिए निकल लिए सवेरे के 10:30 बज चुके हैं और उसके बाद हम धनल्टी जाएंगे और इसी तरीका अपना टूर पूरे करके घर वापसी पहुँचेंगे। हमारा टूर कम से कम 12 दिन का टूर है। भैया पहाड़ हैं, बहुत 6000 फुट की ऊंचाई पे चल रहे हैं हम, बहुत भारी ऊंचाई पे। अगली खबर है, हतीन बैंक खातों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रकम निकालने के 5 आरोपियों को हतीन पुलिस ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। दोस्तों बैंक खातों से यानी कि ऑनलाइन बैंक खातों से फॉर्जरी करते हैं कुछ लोग, धोखाधड़ी से पैसे निकाल लेते हैं, ओटीपी वगैरह जानकर, पिन वगैरह जानकर, पासवर्ड जानकर धोखाधड़ी कर जाते हैं, लोगों के पैसों को निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हतीन पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। बहीन जराली गांव में ससुरालियों ने दामाद को बंधक बनाकर की जमकर मारपीट और किया अप्राकृतिक कुकर्म, पुलिस ने किया केस दर्ज। दोस्तों अपने ही रिश्तेदार को पीटा है, कोई घर के कलेश होगा या फिर कोई परेशानी होगी। हतीन मिंडकोला गांव की एक विवाहिता लड़की ने अपने पति समेत 8 लोगों के खिलाफ कराया दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज। दहेज उत्पीड़न के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, केस 98% झूठे होते हैं, 2% इनमें सच्चाई होती है, क्योंकि सभी लोगों को पता है दहेज का केस बहुत बुरा होता है, इसलिए दहेज के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हतीन के विधायक प्रवीण डागर ने कहा, 8वीं के विद्यार्थियों को पुस्तक खरीदने के लिए सरकार उपलब्ध कराएगी निर्धारित राशि। तो 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए पुस्तक खरीदने के लिए हतीन विधायक ने कहा कि निर्धारित कराएगी उनके लिए पुस्तक खरीदने के लिए राशि और बच्चों को मिलेंगे पैसे पुस्तक खरीदने के लिए। सत्य भाई ने दी जानकारी, सत्य भाई हैं सोंद गांव से, माना पट्टी से हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि कल रात 8 बजे होडल और गढ़ी पट्टी के बीच पेट्रोल पंप पर चली गोलियां और सेलमैन को मारा और पीटा। अगली खबर है, सत्य भाई ने दी जानकारी, सत्य भाई सोंद गांव के निवासी हैं और माना पट्टी के रहने वाले हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि कल रात 8 बजे होडल और गढ़ी पट्टी के बीच पेट्रोल पंप पर चली गोली और सेल्समैन को मारा और पीटा, मालिक के दोनों पैरों में मारी गोली, यानी सेल्समैन को मारा पीटा और जब मालिक उसको बचाने के लिए आया तो उसके दोनों पैरों में घुटने से नीचे गोलियां मारी। तो दोस्तों ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं जो वारदात करते हैं कि इस तरह से कृत्य ना करें और समाज में अच्छी तरह से रहें। तो ये थी आज की कुछ खबरें जो कि आपके आस पड़ोस से आपको रूबरू करवाती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रोग्राम पसंद आता होगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके समक्ष फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।